नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। और आज शुक्रवार है, यानी जुमे की नमाज का दिन। लेकिन नमाज से दिक्कत नहीं, दिक्कत इस बात को लेकर है कि सड़क पर ही क्यों। यह सवाल मैंने पहले भी उठाया और इस सवाल का जवाब मैंने यही पूछ के मांगा था कि नमाज पढ़िए ना, किसी भी धर्म किसी भी आस्था पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सड़क पर नमाज क्यों। वैसे संविधान का हवाला देने वाले यह भी सुन ले कि संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात कही गई, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मजहबी अतिक्रमण करना और लोगों को परेशान करना कैसे जायज ठहरा जा सकता है। इबादत जरूरी है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आज गुरुग्राम में जो हो रहा है उसकी वजह जाननी भी जरूरी है। सरकारी जमीन पर सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे, तो ये जायज है। लेकिन जैसे ही उसी जमीन पर हिंदू संगठनों ने गोवर्धन पूजा कर विरोध दर्ज करवाया तो उन्हें असहिष्णु बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है भाई, क्यों है? गुरुग्राम में 22 मस्जिदें हैं, लेकिन वहां पार्क और सड़क को घेरकर नमाज पढ़ने की रवायत चल रही है। क्या मंदिर, बौद्ध मठों, जैन मंदिर या गिरजाघर जाने वाले श्रद्धालु सड़क, पार्क, रेलवे स्टेशन पर इबादत करते हैं? तो सिर्फ नमाज के नाम पर ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो जानना है। और इस पर बार बार हवाला दिया जाता है और असहिष्णुता का वो जो ठप्पा मारने की कोशिश है ना, वो इस देश में कुछ ज्यादा ही तेजी से चलती है। और शंखनाद आज इसी के खिलाफ है। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ, उसके बाद मेहमान। खुले में नमाज जायज, पूजा गैर कानूनी, मजहबी कब्जे का विरोध करना गैर कानूनी, पार्क में नमाज क्या विवाद का आगाज। एक बार फिर से गुरुग्राम में विवाद हुआ, हंगामा हुआ और जय श्री राम की नारेबाजी हुई। गुरुग्राम में 3 साल से खुले में नमाज का लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये विवाद है कि थम ही नहीं रहा। खुले में नमाज पर विरोध में एक जगह पर आज विश्व हिंदू परिषद ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। गुरुग्राम के लोगों ने ये बताया है कि हमको चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, दुकान काम धंधे पे जाने की आज़ादी, और वो आज़ादी यहाँ के लोगों ने अपने संघर्ष से हासिल की है। हिंदू संगठनों के मुताबिक खुले में इस तरह से मजहबी कब्जे की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और ये आंदोलन जारी रहेगा। बहुत समस्या आती थी, लेकिन मैं मोदी जी से एक ही अपील करना चाहता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने खुले में सोच बंद करवाई है, खुले में नमाज बंद करवाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बचा रहेगा। गुरुग्राम में हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद खुले में नमाज जारी है। लेजर पार्क में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और नमाज पढ़ी। विरोध करने के इस तरीके पर टकराव की आशंका है, लेकिन सवाल ये भी है कि 3 साल से विरोध करने वाले लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हुई। वो सरकारी जमीन के लिए ये विरोध कर रहे हैं, जब तक देश में खुली जगह में सड़क पर, स्टेशन पर, रेलवे फाटक, हर जगह नमाज के नाम पर कब्जा होता था तो इसे धर्म निरपेक्ष कहा जाता था। लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों ने उस जगह पर पूजा की, उन्हें असहिष्णु कहा जाने लगा। विरोध कर रहे हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस जगह को आम जनता के लिए बनाया गया है, वहां धार्मिक अतिक्रमण को सही नहीं ठहराया जा सकता। जब नमाज के लिए, इबादत के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं, तो जिस सड़क पार्क को आम लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है, उस पर मजहबी कब्जा क्यों हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि ये भी दुहाई दी जा रही थी इसी टॉपिक पर, जब मैंने सवाल पूछा था ना कि भाई मस्जिद है, मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो कहा गया कि मस्जिदों में जगह कम है। अब ऐसे में कहा जाए, हिंदू बाहुल देश में मंदिरों में भी तो जगह कम हो जाएगी, क्या सड़कों पर उतर के करें तो उसको आप जायज ठहराएंगे और उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे? इस देश में वैसे 2 लाख से ज्यादा मस्जिद है और इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल देश है, वहां 8 लाख से भी ज्यादा मस्जिद है। और ऐसी अमूमन ऐसी कहीं शायद ही मुझे ऐसी कोई खबर दिखी, जितना मैंने रिसर्च किया, कि सड़क पर वहां नमाज पढ़ा जा रहा है। और कुछ जो जानकारी मैंने भी इकट्ठी की, हो सकता है कि मेरे पास जानकारी का अभाव हो, लेकिन जो मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे ना, वो इसको बताएंगे।
तिमरजी और इब्ने माजा के हिसाब से रास्ता रोककर नमाज पढ़ना पूरी तरह से गैर इस्लामी है, तो फिर इसको कहां से जायज ठहराने की कोशिश चल रही है भाई? क्यों मुखालफत की जा रही है? और सवाल यही है कि आप करें तो सब ठीक है, लेकिन आज वहां गोवर्धन पूजा की जा रही है, तो इस पर आपको आपत्ति है? मेहमानों से मिलवाऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ग्राउंड जीरो से भी, यानी गुरुग्राम में जहां पर यह पूरा हंगामा हो रहा है, वहां से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं पूजा है और रजनीश है। पूजा, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। देखिए, मैं एक पक्ष तो मानता हूं कि ठीक है, उनका नमाज अगर आप कह रहे हैं कि यहां पर आके पढ़ना सही नहीं है, तो फिर आप क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आप भी वही काम कर रहे हैं तो फिर मेरे को तो क्वेश्चन इनके ऊपर भी उठाना होगा, या फिर इसको कह लें कि आप धर्म युद्ध के रूप में ला रहे हैं। पूजा, आवाज मिल रही है मेरी? शायद पूजा से संपर्क नहीं हो पाया। रजनीश जी रोहित, हाँ, सवाल दोहराइए। हाँ, मैं सवाल दोहरा रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो हिंदू संगठन वहां पर मौजूद है, उनका कहना है कि इबादत के लिए इनको जगह दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर, पार्क में इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को दिक्कतें होती है। आपने आज गोवर्धन पूजा की तो क्या दिखाने की कोशिश की? आप गलत तो आप सही कैसे हो गए? मेरी दिक्कत इससे शुरुआत में इससे करूंगा, बाद में फिर बात करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ये सही कैसे है? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल आपने यहाँ पूछा है रोहित, और वाकई में कि बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश यहाँ जो तमाम हिंदूवादी जो संगठन से जुड़े तमाम लोग यहाँ मौजूद है रोहित, मैं यही जवाब जानने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं सीधा उन्हीं से बात करूंगी जो ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, यहाँ पर सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि खुले में नमाज मत कीजिए, लोगों को जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर उनको दिक्कतें होती हैं, लेकिन यहाँ खुले में आप गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, आप क्या दिखाने की कोशिश, ये कहाँ तक जायज है? प्रथमतः तो ये विरोध है, इसे हमें मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। दूसरा विषय ये आपने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम साल में एक बार कर रहे हैं। यही हमारा जवाब बार बार हमारे पदाधिकारियों ने दिया है कि अगर हम भी ऐसे करने लग गए तो हमारे तो हर दिन देवी देवताओं की पूजा पाठ चलता रहता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, मेनली ये विरोध दिवस के रूप में था और आज विजय दिवस बन करके उभरा है, ऐसा हमारा सबका मानना है। लेकिन आपकी समस्या का हल तो अब भी नहीं निकला ना, आज 12A का मैदान नहीं है तो लेजर वैली का मैदान मिल गया, तो मसला कहाँ सुलझा? मिला नहीं है, लेजर वैली पहले भी था, उन 37 पॉइंटों में लेजर वैली भी था पहले से, अभी जो पॉइंट कम हुए हैं उसमें लेजर वैली नहीं है, अगले सप्ताह वो भी कम हो जाएगा। दो तो आपका मसला ये है कि भाई हमारे आसपास की जगह छोड़ो, आप बाकी कहीं भी करो। नहीं नहीं, प्रशासन ने 3 वीक का टाइम लिया है, आज 10 स्थान कम किए हैं, नेक्स्ट वीक और स्थान कम कर देंगे, धीरे धीरे करके 1 महीने में सारे स्थान खत्म कर जाएंगे। अवैध तरीके से जो नमाज पढ़ी जा रही है, जो वैध तरीके से इनके स्थान है वहां पे नमाज अदा करे, ना प्रशासन को नाराजगी है ना हिंदू संगठनों को नाराजगी। ठीक है, देखिए पूजा में आता हूँ, जल्दी जल्दी, बहुत सारे मेहमान भी है उनके पास भी चलूंगा, रजनीश का पहले एक बार रुक करूंगा। रजनीश, देखिए पूजा ने बड़ा क्लियर कर दिया और बड़ा स्पेसिफिकली जो सवाल मुझे जानना था उसको समझा भी दिया, ये विरोध है, विरोध है, लेकिन विरोध के नाम पर आप मुझे यह समझाइए, मुझे किसी की इबादत से, किसी धर्म विशेष की इबादत से कोई परेशानी नहीं है, यह उनका हक है, अधिकार है और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे आपत्ति है कि भाई जब आपको एक प्लेस एलोकेटेड है तो बार बार फिर ये जबरदस्ती क्यों कर देते हैं? और अगर ये आज हिंदू कर रहे हैं तो इसे असहिष्णु तो क्यों बता रहे हैं, असहिष्णु क्यों बता रहे हैं? देखिए रोहित, जो आप सवाल कर रहे हैं वो बेहद वाजिब सवाल है, और सीधे, क्योंकि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, सीधे उन लोगों से मैं बात कराता हूं जो साल 2018 से इस बात की खिलाफत करते आए हैं, जो संयुक्त हिंदू एकता संघर्ष समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। 2018 में इन्हीं के जो है मुहिम ये चलाई गई थी कि सार्वजनिक स्थानों पर जो इबादत करना जो है वो गलत है। आप ये बताइए कि आज आपने यहाँ पे गोवर्धन की पूजा की, आप लोगों को सहिष्णु बताया जा रहा है कि आप लोग सहिष्णु है, कितना वाजिब आप अपने आप को मानते हैं? हम तो सहिष्णु बताया जा रहा है, हम तो हैं ही नहीं, असहिष्णु बताया जा रहा है, हिंदू संस्कृति तो आपत्ति नहीं थी, और हमारे सहिष्णु होने का तो प्रमाण हमने परसों भी दिया है। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि हमें कुछ दिन के लिए हमें आपको सहिष्णु नहीं बताया जा रहा कि आप सहिष्णु नहीं है, अब हमें कोई क्या बता रहा है, हम जो हैं वो हैं, हम हिंदू हितों के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। आप एक चीज और बताइए, साल 2018 से ये चीजें चलती आ रही है, तो आपको 3 साल बाद इस चीज का याद आई है कि 3 साल बाद आपको विरोध करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने उस समय 18 में 155 जगह पर नमाज अदा की जाती थी, और उस समय जो आंदोलन हमने किया
तो उसके बाद इन्होंने एक दिन के लिए जो प्रशासनिक निर्णय हो चुका था कि कहीं भी सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं होगी, हरियाणा के अभी जो मुख्यमंत्री हैं 2018 में भी यही थे, इन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया था आधिकारिक तौर पर हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन अभी मौलाना शहजाद आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी आप लोगों से, आप लोग किसी चीज के भुलावे में, गलतफहमी में आप जी रहे हैं। ऐसा है, हम तो गलतफहमी में है नहीं। अगर उन्होंने परसों के बाद अपनी कोई स्ट्रेटेजी चेंज की है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। कह रहे हमारे पास सारे कागज है, मैंने उनसे कहा कि आप सब जगह नमाज अदा करते हैं, प्रशासन मना कर रहा है, वो कह रहे हैं पुलिस को जानकारी थी, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहती थी, तो आप लोगों पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं जो आप लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये 3 तारीख से पहले पुलिस और जिला प्रशासन और उनके द्वारा कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और अनेक मीडिया के लोग भी उनके द्वारा बताए जाने पर कि हमारे पास कागजात हैं, हमारे पास परमिशन है, हमारे पास अलॉटेड लेटर है। इनसे एक छोटा सा सवाल पूछे रजनीश, ये क्या चुनाव के वक्त में ये मुद्दा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है और हमारे माध्यम से मीडिया की भी दूर होगी। जी 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 रोहित, मैं इसी सवाल पे आ रहा था, मेरा अगला सवाल यही था। आप बताइए, अब जो 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या उन चुनावों को देखते हुए ही ये सारी चीजें की जा रही है? हमारा जो मंच है वो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति है, उसके नाम से ही आपको पता है हम हिंदू हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो 2020 में भी तो आप कर सकते थे। चुनाव से हमारा ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, सरकारें बनेंगी। ठीक है सर, बात अगर हिंदू अस्मिता की है, बात अगर हिंदू अस्मिता की है तो मैं फिर कह रहा हूँ, बात मैं फिर कह रहा हूँ, किसी धर्म विशेष से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति दरअसल इस पे है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर गलत तरीके से कोई एक्वायर करना चाहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है। और अगर धर्म के हिसाब से लोग ये बार बार कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, हम तो हफ्ते में एक दिन जाते हैं, अरे हफ्ते में एक दिन से मतलब नहीं है, आस्था पे सवाल नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, इसको समझो। इस देश ने सब कुछ दिया, लोकतांत्रिक फ्रीडम है, बट ऐसे थोड़ी ना कि आप जबरदस्ती उसको किसी भी तरह चाहते हैं कि नहीं हम छीन ले, ऐसा नहीं होगा। मेहमानों से मिलवाता हूं, आता हूं आप दोनों के पास भी। अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह यादव है, वैसे तो शिवसेना के नेता है, लेकिन विक्रम सिंह यादव आज मेरे साथ, शिवसेना के नेता नहीं, आज मेरे साथ एक एक्टिविस्ट के तौर पर है, जिन्होंने 2018 में दरअसल इसी के खिलाफ, इसी नमाज अदायगी के खिलाफ ही आवाज मुखर किया था, जेल तक जाना पड़ा था। विक्रम यादव को आज मैंने इसलिए इन्वाइट किया और कहा कि मुझे ये सब कुछ समझना है कि है क्या, इसलिए विक्रम यादव साहब स्वागत है आपका भी। हाजिक खान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है, हाजिक साहब ने बड़ी ही मतलब कहते हैं ना ओपनली अपने विचार रखे और इन्होंने कई सारी बातें समझाई भी थी कि इस्लाम क्या कहता है नहीं कहता है, लेकिन मैंने भी आज चंद सवाल पूछे, उसको भी आज ये बारीकी से समझाएंगे। अंबर जैदी है, बेबाक है और इनको पता है कि देखिए धर्म विशेष के साथ जरूर ये जुड़ी है, लेकिन इनको लगता है कि जो गलत है तो गलत के खिलाफ कैसे मुखर होना है। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। शुरुआत में विक्रम साहब आपके साथ करूंगा, एज ए एक्टिविस्ट सर, आपको नमाज पढ़ने में क्या आपत्ति है, कोई एक धर्म विशेष के लिए नमाज पढ़ रहा है तो? रोहित जी, ये मामला 2018 में भी बहुत जोरों पे चल गया था। यहाँ पे ऐसा था कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पे बहुत सी जगहों पे नमाज पढ़ रहे थे, जबकि वहां पे कोई मुस्लिम बस्तियां नहीं थी। तो ये लोगों का, स्थानीय लोगों का विरोध था और भी हम जैसे संगठन वाले लोगों ने भी इस चीज को देखा। तो इसमें इन लोगों की कोई पहचान नहीं थी, कोई किसी का वो अता पता नहीं था, तो उस चीज के लिए आवाज उठाई और काफी बड़ी तेजी से आवाज उठी थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि हम अकेले पड़ गए थे, प्रशासन ने हमारी कोई सुनी नहीं थी, हमारे साथ जितने भी संगठन थे सब पीछे हट गए थे, सिर्फ हमारा इकलौता भारत बचाओ संगठन इस सीट के लिए खड़ा रहा। गाजियाबाद यूपी से स्वामी नरसिम्हानंद ने आकर के हमारा उन्होंने साथ दिया, हमने यहाँ पे खूब खून से पत्थर लिखे, प्रशासन को खूब चेताया, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुनी। उसके बाद हम सीएम साहब के मिलने गए, हालांकि सीएम साहब बयान भी दे चुके थे कि भाई जो भी नमाज है वो मस्जिदों में पढ़े या अपने घरों में पढ़े, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने कोई रोक लगाई नहीं, लोगों ने कुछ सुना इस चीज को। हम चंडीगढ़ गए, वहाँ सीएम साहब का हम वहाँ पे इस चीज के लिए आवाज उठाने के लिए, लेकिन हमें वहीं पे चंडीगढ़ में भी गिरफ्तार कर लिया। वहां से हम वापस आए, यहाँ पे हम भूख हड़ताल पे बैठे 7 दिन के लिए, कोई संगठन हमारे साथ नहीं आया उस टाइम, हम अकेले हमने इस चीज का वोट किया। स्वामी नरसिम्हानंद जरूर हमारे साथ थे, उसके बावजूद भी प्रशासन ने। तो सर आपका विरोध क्या था, इनके नमाज पढ़ने में विरोध था कि उस जगह पे जहाँ पे मतलब चिन्हित नहीं है? नहीं, चिन्हित तो कोई थी नहीं, चिन्हित कोई थी नहीं। दूसरा मैंने बताया ना कि अनजान लोग जो यहाँ शहर के भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए लोग थे, कोई बांग्लादेशी था, कोई रोहिंग्या, यानी कि किसी का कुछ पता ही नहीं था।
कोई पहचान नहीं थी उनकी। अच्छा। और शहर में एक ऐसा डर का सा माहौल था। हाँ। और उस डर के कारण इस चीज के लिए हमने कहा कि भाई आप अपनी नमाज या तो मस्जिद में। अच्छा, स्थानीय लोगों ने भी उसका विरोध किया था। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अब एक छोटा सा रिएक्शन मैं अतीकुर रहमान साहब से ले लूं, वापस मैं एक एक करके, पहले मैं सबको एक बार मौका दे दूं, फिर मैं उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। अतीकुर रहमान साहब, सर आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, सब कुछ पता है आपको, मेरे से ज्यादा ज्ञान है। सर नमाज पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं है? आज भी देखिए सर यही कह रहे हैं, नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं। अगर स्थानीय लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं तो इसको आप एक धर्म विशेष की भावना को आहत करने वाले मुद्दे से चश्मे से क्यों देख रहे हैं सर? देखिए रोहित भाई, मामला बहुत सिंपल है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सक्षम होता है इन मामलों को डील करने के लिए। अगर किसी को भी कोई तकलीफ है तो वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर गोवर्धन पूजा करना इस चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल लिया जा रहा है। जहां तक कि सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने का सवाल है, मैं इस बात को बहुत क्लियर करना चाहता हूं आपके शो के ऊपर कि अल्लाह कोई ऐसी इबादत को कतई कबूल नहीं करेगा जो दूसरों को तकलीफ देकर, रास्ता रोककर, किसी तरह से कहीं से भी आपसी माहौल बिगाड़कर इबादत अगर की जा रही है तो उस इबादत को कबूल अल्लाह नहीं करेगा। सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना विदाउट परमिशन कतई भी अलाउड नहीं है। क्या भी ये मुसलमान कर रहे हैं, अगर मजबूरी में कर रहे हैं तो वो प्रशासन के पास जाएं, परमिशन लें, परमिशन नहीं मिलता है तो अपने घरों में नमाज पढ़ें, किसी भी तरह से मस्जिद में दो जमात बनाएं, चार जमात बनाएं, लेकिन सड़क के ऊपर किसी को तकलीफ पहुंचाकर विदाउट परमिशन। आपका मुद्दा बिल्कुल सही है कि आज हम कोई बनाना रिपब्लिक में नहीं रह रहे हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, हमारी लेजिस्लेचर्स हैं, वहां पर आप जाइए गुहार लगाइए, परमिशन मिलता है तो सुभान अल्लाह, नहीं तो आपकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा अगर आपके पास परमिशन नहीं है। शिवसेना का जहां तक सवाल है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर बैठे हुए हैं मुंबई में, रोहित साहब आपको याद होगा कि 1992-93 के जो रायट्स हुए थे, इसके अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना था सड़क के ऊपर नमाज। जहां जहां सड़क पे नमाज होती थी शिवसेना वहां पर महाआरती करते थे। उसके बाद में जब एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से एड्रेस किया हमारा प्रॉब्लम, उसके फौरन बाद 92-93 के बाद आपको याद होगा शिवसेना बीजेपी सरकार आई महाराष्ट्र के अंदर, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के लीडर बने, उन्होंने तमाम हमारी मस्जिद को एक्स्ट्रा फ्लोर की परमिशन दी, उन मस्जिद के ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर चढ़ाए गए। आज मुंबई के अंदर इक्का दुक्का जगह छोड़कर कहीं पर सड़क की नसल। बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ आपने अतीकुर रहमान आज मैसेज दिया है, और आई मस्ट टेल यू सर, मैं वाकई इसको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, लोगों को लगता है कि इस्लाम में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ अगर समाज में कोई दिक्कत हो रही है ना, कोई सवाल पूछ दे, ना वो असहिष्णु हो गया, वो दरअसल एक धर्म विशेष के खिलाफ हो गया। अरे किसी धर्म विशेष के खिलाफ की बात नहीं है, बात है हक की, बात है दरअसल एक पब्लिक प्रॉपर्टी को आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही बात हाजिक खान साहब, मैं उस दिन से आपसे समझना चाह रहा था, हाजिक खान ने मुझे संविधान का हवाला दिया, हाजिक खान साहब ने मुझे ये कहा कि क्यों नहीं पढ़ेंगे, हफ्ते में एक दिन पढ़ते हैं। अरे सर हफ्ते में एक दिन पढ़ना, मैं नहीं कह रहा मत पढ़िए, पढ़िए, लेकिन आज वही बोल रहे थे ना गोवर्धन पूजा करके अगर वो विरोध जता रहे फिर उसको भी जस्टिफाई कीजिए हाजिक साहब। देखिए रोहित जी, मैंने उस दिन जो भी कहा था आज भी कह रहा हूँ कि नमाज जो है नमाज हमें पढ़ना है अल्लाह के लिए, अपने लिए पढ़ना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना। जैसे अभी आप कह रहे थे कि बुखारी मुस्लिम अबू माजा और किताबों में नमाज इसलिए है कि आपका अल्लाह से मामला है। रही बात के रोड पर नमाज पढ़ने का विरोध करने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ईद और बकरीद की नमाज लोग, वो भी हिंदू भाई हैं हमारे देश के, जो अपनी दुकानों में, अपनी जगहों में, अपने मकानों में ईद और बकरीद की और जुमे की नमाज में लोगों को जगह देते हैं, और वो ये समझते हैं देश के हिंदू, वो भी हिंदू हैं, वो भी देश के हिंदू मजहब में आस्था रखते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो इबादत कर रहे हैं इसका श्रेय हमें भी मिलेगा, इस पुण्य काम से हमें भी फायदा होगा, तो वो अपनी दुकानों में जगह देते हैं। ये मैं बचपन से देखता हुआ। रही बात कि अगर कोई आदमी जानबूझकर किसी को परेशान करने की वजह से, किसी को हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अगर नमाज में घेराबारी कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जैसा कि अभी यादव जी कह रहे थे कि ना जाने कहां कहां के लोग आ जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ इंडस्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ लोग आएंगे, एक मोहल्ले के नहीं होंगे, वो नमाज पढ़ने आ जाते हैं।
प्रशासन ने जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि 37 स्थान चिन्हित कर रखे हैं जहां जगह दी है कि मुसलमान यहां नमाज पढ़ सकते हैं, और इसमें अतिक्रमण नहीं हो रहा, कब्जा नहीं हो रहा। ये एक कब्जे वाली बात है, नहीं आपने कब्जे वाली बात है, अभी इस पार्क पे आपने सुना नहीं, अभी आपने सुना नहीं, आज जितने भी संवाददाता हमारे साथ हैं इन सब ने क्या कहा, वहां जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या कहा। अंबर जयदी छोटा सा 20 सेकंड में कमेंट दीजिए, ब्रेक के बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। जल्दी से लगता है जो कह रहे हैं हाजिक साहब उनको अब जस्टिफाई कर रही हैं। देखिए दो गलत मिलकर सही नहीं बनते। सबसे पहली बात हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, राइट टू वर्शिप है, सब अपनी इबादत कर सकते हैं किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और इबादत या पूजा का मतलब ये होता है कि हमारे और ईश्वर के बीच हम एक कनेक्शन साधते हैं और वो एक बहुत प्राइवेट अफेयर होता है। लेकिन उसको आप सड़कों पे या किसी को परेशान करके, अतिकुर रहमान साहब ने बिल्कुल बहुत सही समझाया और यही मेरा भी मानना, और हम ये इस्लाम का यही कहना है कि आप नमाज तो किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं, आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं, बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेट कर पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को परेशान करके नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप अगर कहीं काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव में बहुत सारे लोग जाते हैं अलग अलग जगहों से काम करने के लिए, तो आप अपने ऑफिस के किसी केबिन में नमाज पढ़ सकते हैं, या आप ऑफिस में ही एक जगह 4-6-8-10 लोग हैं तो आप वहीं पर आप जमात कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे, लेकिन इस नमाज पढ़ सकते हैं, तो आपको नमाज पढ़नी है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। जुमे की नमाज तुम्हारा तन्हा नहीं होगी, जुमे की नमाज जमात के साथ होगी, इमाम के साथ होगी, इसलिए उन्हें एक जगह देना चाहिए। जुमे की नमाज जोहर पड़ेगा वो जुमा नहीं पड़ेगा, फ्राइडे नहीं, जो जुमे की नमाज नहीं पड़ेगा वो पड़ेगा नमाज जोहर की नमाज। मैं वही बोल रही हूँ कि आपको किसी को परेशान कर, जुमे की नमाज किसी को परेशान करके तो नहीं होगी ना। जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी है कि हम इबादत कर रहे हैं, तो हमारी इबादत से किसी और को परेशानी ना हो। ठीक है अंबर जयदी, मुझे चूंकि ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा इसी पॉइंट से, लेकिन रजनीश और पूजा ब्रेक के बाद में सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मुझे जरा बता दीजिए, बार बार जो ये कहा जा रहा है ना कि जहां पे नमाज ये पढ़ रहे थे उस जगह पे आपत्ति नहीं थी, इन्होंने सिर्फ जो क्या किया चुनाव का मुद्दा बना लिया। अरे हिंदू कुछ भी कर रहा है उसको चुनाव के मुद्दे से क्यों जोड़ रहे हो भाई, और क्यों क्यों अगर अपने आप में दिक्कतें हो रही है वहां रहने वाले लोगों को, वो अगर आवाज मुखर करें और पूजा कर ले तो उसे असहिष्णु बता दिया जाता है क्या? ये तरीका सही है क्या? ऐसे चलेगा क्या? सड़क पे आप नमाज पढ़े कोई आवाज मुखर कर ले तो आप गलत हो गए, लेकिन जो कर रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वो गलत नहीं हो सकता। यह संभव है क्या इस देश में? एक छोटा सा बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आर्यन खान ड्रग मामले से जुड़ी हुई, अनन्या पांडे से हो सकती है पूछताछ, ये सोर्सेस बता रहे हैं। फिर से नोटिस भेज सकती है एनसीबी, पिछली तारीख पर हाजिर नहीं हुई थी अनन्या, और आर्यन से व्हाट्सएप चैट पर यह खुलासा हुआ था कि आर्यन के साथ अनन्या की इन्वॉल्वमेंट है और उसी को लेकर एनसीबी जांच पड़ताल कर रही है। तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है, शंखनाद में आप हैं, और शंखनाद में मेरा जो आज सवाल है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप कहते हैं कि इस देश में दरअसल हर किसी को समान सी मान्यता मिली है, तो एक धर्म विशेष अगर सड़क पे नमाज पढ़े तो सामने वाला अगर कोई सवाल खड़ा करे कि भाई सड़क क्या नमाज पढ़ने के लिए है या लोगों के लिए है, गाड़ियों के चलने के लिए, लोगों के गुजरने के लिए, इसमें कौन गलत हो जाता है? एक इंसान जो बार बार गुहार लगाने के बाद विरोध का दूसरा तरीका अख्तियार करे कि ठीक है भाई हम भी अपनी पूजा वहां पे करेंगे, तो फिर वो असहिष्णु हो जाता है। क्यों क्यों आखिर वो करे तो ठीक और हम करें तो गलत? सवाल इस पे है और इसी पर लोगों की प्रतिक्रिया भी है, और देखिए मेरे साथ रिपोर्टर बने हुए रजनीश और पूजा है। पूजा 30-30 सेकंड में दोनों सहयोगियों के पास आऊंगा, लेकिन मुझे उसमें यह समझाइए, देखिए यहां पर कुछ मेहमान मेरे को कह रहे थे कि नमाज पढ़ने पे दिक्कत जताना गलत है। अरे कौन नमाज पे दिक्कत पढ़ा जता रहा है, हम तो कह रहे हैं नमाज पढ़िए, लेकिन किसी को दिक्कत देके वैसे पब्लिक प्रॉपर्टी पे नमाज क्यों? क्या यही बात है ना, क्लियर कीजिए जरा पूजा। बिल्कुल, देखिए मैं सीधा यहाँ पर रहने वाली जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, क्या दिक्कतें वो यहाँ पर सहन कर रही थी इस नमाज के चलते, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए हर शुक्रवार यहाँ पर नमाज हो रही थी, दिक्कत नमाज होने से है आपको या दिक्कत किसी और बात से? मैम नमाज होने से हमको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से 1 बजे से 4 बजे तक ऐसा होता है कर्फ्यू सा माहौल हो जाता है, कोई बच्चे यहाँ पे खेलने नहीं आ सकते हैं, उस समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के जाने का टाइम होता है, कोई बच्चे निकल नहीं पाते, सभी सहमे हुए रहते हैं
कि पता नहीं हमारे साथ में कौन क्या कब कौन घटना घट जाए, तो इसलिए बच्चियां नहीं निकल पाती हैं, जो लेडीज है वो नहीं निकल पाती है डर के मारे, और पूरा ये जगह ऐसा तो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। डर क्यों लगता है ये पूछिए पूजा जरा, ये डर क्यों लगता है? वो तो खुदा की इबादत के लिए गए हैं, तो बहुत डरते क्यों है? डर क्यों लगता है मैम? डर इसलिए होता है क्योंकि ये इबादत कर रहे हैं। डर किस बात? डर इसलिए कि वो मुसलमान लोग हैं, उनसे सभी हिंदुओं को लड़कियों को डर ही लगता है। वो नहीं, ये अगर कॉन्सेप्ट है, ये अगर कॉन्सेप्ट है तो ये सही नहीं है। डर क्यों? जिस प्रकार से लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से जमीन जिहाद ये लोग करते हैं, तो उससे शहर के लोगों में एक भय का माहौल व्याप्त है, इन लोगों से इसलिए भय लगता है। भय किस बात का? ये जवाब दीजिए। यही इसी बात का भय लगता है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फेक आईडी बनाकर। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये है कि यहाँ पर जो नमाज अदा करते हैं स्थानीय लोग नहीं है। आपने चेक किए क्या? आपने यहाँ किसी की आईडी चेक की? हमने शासन और प्रशासन के माध्यम से निवेदन किया, क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ठीक है, उन्होंने कभी आज तक यहाँ पर नमाज अदा नहीं करी, वो अपने घर में। यही सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे वहां से। देखिये महावीर जी, एक सीधा सवाल है कि नमाज पढ़ने से दिक्कत है या दिक्कत किसी और चीज से? आखिर दिक्कत क्या है? हमें तो सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग करने से दिक्कत है, नागरिक होने के नाते हम इस प्रकार का करने को बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और ज्यादा दिक्कत हमें उससे थी कि 37 स्थानों की सूची को ये उसको अलॉटमेंट बता करके प्रशासन को गुमराह करके ये काम कर रहे थे। 37 जगह सार्वजनिक जगह, ये 37 की 37 सार्वजनिक है, एक भी स्थान पर हम नमाज पढ़ने की स्वीकृति नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सुना आपने? सार्वजनिक ठीक है, हाजी खान साहब सुना आपने? अंबर जैदी, उसके बाद काउंटर आपको करना है। हाजी खान साहब सुना आपने? नमाज से आपत्ति नहीं, आपत्ति क्या है? सार्वजनिक स्थल पर जी, जब सरकार ने इजाजत दे रखी है रोहित जी, सरकार ने 37 जगह चिन्हित की है, तो सर प्रशासन की जिम्मेदारी है या इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो नमाज को रोक देंगे? लोगों को इनसे परमिशन दी जाएगी? ये देश का संविधान चला रहे हैं या कानून चला रहे हैं? देश का, ये देश के भी कहता है ना, देश का पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। एक्वायर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? एक घंटे के लिए, एक घंटे तो सर ऐसे हिसाब से पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते अगर हम नमाज पढ़ रहे, उससे किसी को परेशान, अगर कोई अगर किसी को लड़की को छेड़ लिया उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा होना। लेकिन कोई एक आदमी शांति से नमाज पढ़ रहा है उसका विरोध करना अच्छी बात? हम ये देख रहे हैं कि लोग अपने घर में कैसे नमाज, हिंदू वो भी तो हिंदू हैं इस देश के, वो देश में रहने वाले नहीं है, इस देश में नहीं, उनकी नागरिकता नहीं है। उन्होंने अपने घर में जगह दी ना, सड़क पे थोड़ी ना दी। अरे मैं मंदिर में कह रहा हूं पब्लिक प्रॉपर्टी है, कृष्ण जी के पब्लिक प्रॉपर्टी है, जितने आप टैक्स करते हो उतना हर कोई कर रहा है। मुझे पंडित जी ने मुझे जगह दी, मस्जिद में दीजिए ना सर, मस्जिद में जगह दीजिए, हनुमान मंदिर, हनुमान चालीसा करने को भाई। आप मस्जिद में, आप मस्जिद में जाए, आप अपने आप देंगे, आप मस्जिद में जाए, और मस्जिद में जाके आप जितने फक्र से कह रहे हैं कि हमने जो है मंदिर में बुलाकर आपको नमाज पढ़ने दे दिया, आप ये कह दीजिए, आप ये कह दीजिए, बात घुमा क्यों रहे? नमाज में 5 आदमी खड़े कर दीजिए। अरे आप ये बताइए ना, आप जुमे की नमाज का सवाल है ही नहीं। आप जो कह रहे हैं ना कि जितने आप कह रहे हैं ना कि फ्रीडम सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, इस देश में हर धर्म बराबर अगर है तो हिंदू धर्म भी पूछेगा ना कि आपने मंदिर में आके नमाज पढ़ लिया, मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? मस्जिद में जाके तो नहीं है, आप जुमे की नमाज में शरीक हो गए, आप शरीक हो गए, जुमे की नमाज पढ़ते रहो, हमारे ऊपर क्या? क्यों भाई पढ़ते रहो, छिपके क्यों? हम क्यों छिपके क्यों? अरे भाई, अरे हनुमान चालीसा पढ़ना छिपने वाली बात हो रही क्या? अंबर जैदी, अंबर जैदी जैसे इन्होंने फक्र से कहा, नहीं आपको अपने मजहब में अंबर जैदी को लाइए, अंबर जैदी को, मुझे दिक्कत है जैसे इन्होंने फक्र से कहा ना, सीना चौड़ा करके मंदिर में हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि आइए नमाज पढ़िए, आप भी फक्र से कहिए ना, आइए क्यों जाते हो? अरे तो भाई आप भी कहिए ना फक्र से, आप भी कहिए, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? मस्जिद में हिंदू जाके हनुमान चालीसा पढ़े वो गलत है, मंदिर में हिंदू चालीसा किया जाए वो गलत है। पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है ना, उसकी कलाई अभी खुल जाती है कि आप दूसरे से चाहते हैं कि वो आपके मजहब की इज्जत करे, सम्मान करे, लेकिन बिल्कुल आप अगर पार्क में रोज पूजा करें हमारे तरफ से, हमारी तरफ से विरोध नहीं होगा, मुसलमानों की तरफ से विरोध नहीं होगा, किसी भी पार्क में डेरे करें वो, हमारा क्या विरोध है? हम विरोध नहीं करते, हम अपनी आस्था के साथ कर रहे हैं, हमें क्या विरोध करना चाहिए? आपकी जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म
ज्यादा नहीं चलती। हम जिस देश में रहते हैं, जो आतिकुर रहमान साहब ने बात रखी थी, मैं उससे बहुत ज्यादा अग्री करती हूँ। सड़कों पर जाम लगाकर नमाज करने की इजाजत है ही नहीं। आप गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। नमाज को विरोध नहीं है, हमें अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे राइट टू वर्शिप है, तब तक है जब तक हमसे किसी को परेशानी नहीं हो रही है। हमें सबके लिए पब्लिक प्रॉपर्टी है। और एक घंटे करके 52 हफ्ते की बात है। अतिकुर रहमान, एक सेकंड, अतिकुर रहमान, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है, छोटा सा कमेंट अतिकुर रहमान साहब, उसके बाद उसके विक्रम यादव। जी रोहित भाई, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों से सक्षम है डील करने के लिए। मैं भी बाहर से जाके कोई ना कोई ऐसी बात पैदा कर रहा हूं, और भी लोग बाहर जाके ये बातें पैदा कर रहे हैं। सवाल ये है, मुझे आप ये बताइए रोहित भाई, कौन सी पब्लिक प्लेस हिंदुस्तान के अंदर, शहरों में तो बहुत ज्यादा होता है, गुड़गांव वगैरह क्योंकि बड़े इलाके कम होता होगा, कौन सी पब्लिक प्लेस के अंदर कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है? कांवड़ यात्रा के अंदर पूरा के पूरे जितने इलाकों में कांवड़ यात्रा जाती है, सबके सब पब्लिक प्लेस है। दिवाली के क्रैकर, नहीं मुझे बोलने दीजिए अंबर, दिवाली के क्रैकर 10 सेकंड, गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो पूरी सड़कों पे मनाया जाता है, वो भी पब्लिक प्लेस है। लेकिन जबरदस्ती इसके ऊपर उन्वाद छेड़ना, जबरदस्ती कॉन्ट्रोवर्सी करना, ये गलत बात। विक्रम यादव, ये जस्टिफाई करने के लिए काफी है क्या? विक्रम यादव का छोटा सा कमेंट, उसके बाद फिर सबका शुक्रिया। विक्रम यादव, ये जस्टिफाई जो कर रहे हैं साल भर के पर्व से, साल भर के त्योहार से, एक बार आने वाले त्योहार से, साल भर में 52 हफ्ते में चलते हुए चीजों को आप जस्टिफाई कर पाएंगे? रोहित जी देखिए, ये कौन सी चीज है जब ये नमाज मस्जिद और घर में पढ़ी जा सकती है, वो जगह नहीं है तो आप वहां पे एक भीड़ जो है पब्लिक, स्थानीय लोगों को जब दिक्कत होती है तो आप इस चीज क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि लोगों को तकलीफ देकर अगर आप करते हैं